सो so, नया नया दिन टॉपिक और एक और नया वीडियो मैं आप लोगों ले के लेके आई हूँ हेलो एवरीवन दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला सो बच्चों जैसा आप लोगों को पता है अपन अभी तक यहाँ पे किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं स्टेटिस्टिक्स अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपने काफी सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है जैसे अपन ने अर्दोमेटिक मीन कर लिया है उसके अलावा छोटी मोटी -मुण, छोटी मोटी बहुत सी चीजें अपन ने

है ना ऐसा नहीं है कि अपन पहली बार इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं वॉट इज मोड मीडियन मीन अपन थोड़ा बहुत तो अपन अपन को टेंथ के अंदर ने पढ़ा है नाइन्थ में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा है तो हाँ सम्वर्ट अपने दिमाग में ये चीज तो है कि भाई हाँ इनको अगर, अगर अपन को डिफाइन करना हो तो अपन उसको कर सकते हैं ठीक है मैथ्स के अंदर अपने ही चैप्टर्स थे लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंस ये है क्योंकि आप बड़े स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए हर चीज ना थोड़ी सी अब कंपेरेटिवली टफ है ठीक है शुरुआत हम बिल्कुल इजी से करेंगे और इजी से टफ 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 पे पहुंचेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आप मतलब बिल्कुल आसानी से ऊपर तक पहुंच सकते हो ठीक है सो देखो बच्चों मीडियन क्या होता है मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो की सीरीज को दो पार्ट में क्या देती कर देती है बच्चों डिवाइड कर देती है ठीक है अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू तो समझो सपोज आपकी क्लास में कितने तीस से चालीस बच्चे होंगे ठीक है अब आप लोगों को जैसे कहीं पे भी जाना होता है असेंबली में जाना होता है या फिर किसी गेम्स पीरियड में जाना होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप झुंड बना के निकल लेते हो कॉरिडोर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मैम डांट भी देती है काफी बार तो मैम क्या कहती है कि मेक अ लाइन एंड एंड देन गो ठीक है एक लाइन फॉर्म करो फिर उसके बाद में जाओ तो आप लाइन बनाते हो कैसे बनाते हो आप लाइन या तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हो ठीक है तो अब यहाँ पे हाइट वाइज क्या होती है आपकी लाइन बनती है ठीक है सेम इसी तरीके से जो भी अपनी सीरीज होगी ना बच्चों जो भी अपनी को क्वेश्चन में सीरीज सीरीज गिवन होगी उस को सबसे पहले अपन को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन को उसको, उसको प्लेस करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन को उसको प्लेस करना है है ठीक फिर एक फॉर्मुला अपन को यहाँ पे बताया जाएगा उस फॉर्मूले की हेल्प से अपन एक मिड वैल्यू निकालेंगे ठीक है और वो जो मिड वैल्यू होगी वो पूरी सीरीज को किसमें डिवाइड कर देगी बच्चों दो इक्वल पार्ट्स में इन टू इक्वल पार्ट्स में वो उसको डिवाइड कर देगी ठीक है अब एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा सबसे पहले जो की काफी बार पूछा भी गया है आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन इज मीडियन ठीक है मीडियन की डेफिनेशन दो तो अब देखो अगर आपको किसी स्टेटिस्टेशन की अगर आपको डेफिनेशन याद रहेगी तो उससे बेस्ट तो हो कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है तो अपने अपने पास में पे की डेफिनेशन है इसी को अपन याद कर लेते हैं सो so देखो कुनौर के अकॉर्डिंग क्या था द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप इन टू टू इक्वल पार्ट्स ओके सो मीडियन जो होती है मीडियन जो होता है ये वो वैल्यू होती है पूरे वेरिएबल की पूरी सीरीज की जो कि पूरे ग्रुप को दो इक्वल पार्ट्स में क्या देती कर देती है बच्चों डिवाइड कर देती है ओके वन पार्ट कम्प्राइजिंग ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू देखो अब जैसे सपोज करो कि ये फाइव है ठीक है तो एक तरफ तो क्या होगा एक तरफ एक ग्रुप में के अंदर जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज होंगी जैसे सपोज ये मीडियन है ठीक है वो इससे क्या होंगी वो इससे ग्रेटर होगी ठीक है और ये हो गया आपका एक फर्स्ट ग्रुप और यहाँ पे अगर दूसरा कोई ग्रुप है तो वो सब इससे क्या होंगे वो सब वैल्यूज इससे होंगी कम ठीक है यही यहाँ पे लिखा हुआ है सो वन पार्ट कंप्राइजिंग ऑल दी ग्रेटर देन दी मीडियम वैल्यू जो एक पार्ट है वो सारी की सारी उसके अंदर कैसी वैल्यूज है बच्चों मीडियम से ग्रेटर है और जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज कैसी है मीडियम से लोएस्ट है ओके okay? ठीक है? So कि कि आपको बिल्कुल भी tough नहीं लगेगी बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हो भाई कोई एक ऐसी वैल्यू पूरी पूरी के अंदर जो कि पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ठीक है अब इस वैल्यू से एक ग्रुप तो बड़ा होगा और एक ग्रुप छोटा होगा बस सिंपल ठीक है टफ तो बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है अब चलिए अब अपन इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं अब देखो अब आपसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको भाई यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके आपको फॉर्मूला तो चाहिएगा ना तो फॉर्मूला बच्चों आपका क्या होता है ये आपका फॉर्मूला होता है मीडियन को अपन कैसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से अपन मीडियन को डिनोट करते हैं काफी जगह इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं एम ई -E से ओके सो साइज ऑफ साइज ऑफ पॉट साइज ऑफ एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स प्लस वन अपॉन टू ओके एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ आइटम इसको अपन पूरी सीरीज का आइटम मान के चलते हैं मतलब सीरीज में वैल्यूज जो होती हैं तो ये वैल्यू होती है ठीक है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा मीडियन का ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या बच्चों, करेंगे बच्चों क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे ठीक है जैसे अब यहाँ पे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन की जब अपन बात करते हैं तो देखो अब यहाँ पे एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक अपने पास में होता है ग्रुप्ड डेटा ठीक है सो so, दोनों के लिए ही अपन को यहाँ पे मीडियम जब निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे तो so, पहले अपन किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों पहले अपन डेटा को पढ़ने वाले हैं ठीक है तो so, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसके कुछ स्टेप्स हैं अगर आपको मीडियम कैलकुलेट करना है अनग्रुप्ड डेटा का तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जितनी भी वैल्यूज है ना अलग अलग आइटम्स जो में जो भी सीरीज में आपके अलग अलग आइटम्स हैं जो भी वैल्यूज हैं उनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो या फिर किस में करोगे या फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए जो आपकी सीरीज है उसको या या तो आप ascending में में कर कर दो या फिर descending में प्लेस कर दो फिर फिर क्या होगा आप एन नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है फाइंड आउट दीडियन आइटम एज और फिर मीडियन आइटम अपन कैसे निकालते हैं इस तरीके से एन प्लस वन अपॉन टू ओके दैट इज एम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ दिस ठीक है तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अपन क्या करेंगे एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पे देखो आपको दो कंडीशन दी हुई है इवन वाली कंडीशन भी दी हुई है और ऑड वाली कंडीशन भी दी है कि अगर आपकी सीरीज इवन सीरीज है और या फिर अगर आपकी सीरीज ऑड सीरीज है तब आप किस तरीके से करोगे ठीक है so, सो इफ एन यानी कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है इफ एन सीरीज है

एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है है ना एक टोटल वैल्यू आ रही है लेकिन इवन इवन के के केस केस में में क्या होगा एब्सोल्यूट या फिर एक टोटल वैल्यू नहीं, नहीं आएगी या तो आपका फ्रैक्शन में आएगा या फिर आपका पॉइंट में आएगा मतलब सेम थिंग ओके सो इफ द सीरीज इज फोर टेंथ ट्वेल्व एंड एटीन अगर आपके पास में ये सीरीज है तो यहाँ पे एन प्लस वन अपॉइंट टू वु नॉट बी अ कंप्लीट नंबर तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो वो एक कंप्लीट नंबर नहीं होगा ओके okay? लेकिन वो कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक टू पॉइंट फाइव फिफ्थ वैल्यू ठीक है तो वो कैसे होगा वो पॉइंट में होगा फ्रैक्शन में होगा इन सच केसेस मीडियन वैल्यू वुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज तो यहां पे क्या होता है यहां पे आप एवरेज का सहारा लेते हो ठीक है इस केस के अंदर आप किसका सहारा लेते हो अर्थमेटिक मीन का सहारा लेते हो ठीक है ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज दो

ओके okay. सो so, बच्चों अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है ठीक है इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा सो दी फॉलोइंग सीरियल शो मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इलेवन स्टूडेंट ऑफ इलेवेन स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवे इलेवे क्लास के ग्यारह बच्चों का यहाँ पे क्या है मार्क्स आपको गिवन है मार्क्स तो so, आपको यहाँ पे क्या निकालना है मीडियन मार्क्स आपको निकालना है तो so, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है क्या होगा इसको असेंडिंग में आपको करना मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको आपको क्या करना पड़ेगा इसको प्लेस करना पड़ेगा दोबारा से ठीक है तो सीरियल नंबर आपने ले लिए टिल इलेवन ठीक है फिर आपने इसको एक तरफ तो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया दूसरी तरफ आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा ठीक है वो एन कितना है नंबर ऑफ आइटम्स अपने कितने इलेवन ये तो अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है ठीक है सो नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास में है इलेवन अब बस बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं है एन की जगह आपको इलेवन लिखना है प्लस वन सो दिस इज ट्वेल्व सो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आपका टू यह आ गया तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो सिक्स आइटम तो जो आपका, है, which is 21, है ना? ये आपका क्या हो जाएगा देखो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सिक्स आइटम ट्वेंटी वन आ रहा है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सिक्स आइटम आपका क्या आ रहा है बच्चों ट्वेंटी वन आ रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा क्लियर आई होप आपको क्लियर होगा सिक्स आइटम item, तो आइटम्स के लिए आपको ये वाली रो देखनी पड़ेगी सीरियल नंबर देखने पड़ेंगे ठीक है सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में आपसे मीडियम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप इजिली निकाल लोगे बस फॉर्मूला याद रखना फॉर्मूला भी सच कुछ टफ तो है नहीं ब्लैक स्लाइड पे ब्लैक पेन कैसे चलेगा मैम तो देखो ऐसे मीडियन ठीक है क्या फॉर्मूला है एन प्लस वन अपॉन टू यही आपका फॉर्मूला है बस इससे आप इजीली क्या निकालोगे मीडियन निकाल लोगे लो यही है ना आगे और थोड़ी ना कुछ है 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 बस यही है आपका तो so, देखो बच्चों पे आप लो लिए है, ठीक है? इस आप लोगों के के लिए गिवन ठीक इस थ्रू इसको अच्छे से समझ पाओगे फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ठीक है यहाँ पे आपको एक सीरीज गिवन है उसका आपको मीडियन निकालना है ठीक है साइज आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी आपको गिवन तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा या तो इसको असेंडिंग में आप प्लेस करो या फिर इसको डिसेंडिंग में आप प्लेस करो ठीक है उसके बाद में उसके बाद में ये होता है बच्चों की ये आपको क्या है आपको है सिंपल सिंपल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपको आपको सो को किस में कन्वर्ट करना है इसको आपको कन्वर्ट करना है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में ठीक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको आपको कन्वर्ट करना है ठीक है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगर ये पॉइंट भूल गए तो फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा तो बस अपन ने यहाँ पे इसको कैसे कर दिया छोटे से बड़ा कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में इसको अपन ने कर दिया फ्रीक्वेंसी अपन ने लिख ली फ्रीक्वेंसी को अपन ने ऐड करके यहाँ पे एन अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं ठीक है ठीके? फिर अब क्योंकि अपन को इसको क्या करना है कमलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको अपन को कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत अच्छे से आता है हमने पहले भी किया है सो जहाँ पे टू है मतलब फर्स्ट की वैल्यू तो फर्स्ट ऐसे ही रहती है ठीक है थ्री की वैल्यू तो थ्री प्लस टू इज मतलब टू प्लस थ्री इज फाइव फाइव प्लस एट इज थर्टीन 13 प्लस टेन इज 23. 23 ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेल्व इज थर्टी फाइव 35 प्लस थर्टी फाइव प्लसटीन इज फिफ्टी वन फिफ्टी वन प्लस टेन इज सिक्सटी वन प्लस एट इज सिक्सटी नाइन एंड सिक्सटी नाइन इज सेवेंटी ठीक है इस तरीके से आप लोग क्या कर लोगे यहाँ पे कमलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे ठीक है अब आपको क्या करना है अब अपन को ये करना है बच्चों कि अब अपन को फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करना है तो फॉर्मूले इसके अंदर कर देते हैं भाई वैल्यूज पुट ठीक है फॉर्मूला हमारा वही है एन प्लस टू तो एन अपना कितना निकल के आया है सेवन प्लस अपॉन टू तो पे आ जाएगा आपका थर्टी एट आइटम ठीक है अब आपको यहाँ पे सीरीज के अंदर देखना है कि थर्टी एट आइटम आपका कहाँ पे लाए हो रहा है सो so, आप कैसे देखोगे यहाँ पे सो so, जहाँ पे ये तो थर्टी फाइव इसको तो अपन काउंट करेंगे नहीं थर्टी फाइव प्लस सिक्सटीन तो इसके बीच में थर्टी एट आएगा कहीं ना कहीं इसके बीच में थर्टी एट आएगा ना कहीं ना कहीं तो अपन यहाँ पे इसी सीरीज को मान के चलेंगे इसी कमिटिव फ्रीक्वेंसी को अपन यहाँ पे मान के चलेंगे और इसके कोरिस्पॉडिंग जो अपना साइज है वही अपना क्या हो जाएगा बच्चों यही अपना मीडियम हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अपन ने क्या देखा इस सीरीज को देखा इस फ्रीक्वेंसी को देखा कि इस कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच में थर्टी एट लाइक करेगा तो इसी फ्रीक्वेंसी में करेगा थर्टी फाइव प्लस सिक्सटीन के बीच में ही है ना तो अपना वही उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी अपने पास में साइज है या जो भी अपने पास में आइटम है वही अपना क्या हो जाता है बच्चों हो जाता है ठीक है सो इज इक्वल्स टू आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं वापस से बता देती हूँ दो ही पॉइंट्स है यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज को मतलब डिस्क्रीट तो सीरीज जब आपको दे दी है तो आप उस, उसका मीडियम कैसे निकालोगे तो सबसे पहले या तो उसको आप अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो भी आपको सही लगे आपने उसको अरेंज कर दिया उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया आपके पास में क्या आ गया नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास में आ गया ठीक है फिर उसके बाद में आपके आपको क्या है सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको given. तो सिंपल फ्रीक्वेंसी को आपको कमलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्या पड़ेगा? Change करना पड़ेगा उसको चेंज करना पड़ेगा कमलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करने के बाद में आपको वैल्यू उसको पुट करना है जो भी आपका यहाँ पे आइटम निकल के आता है वो आइटम आपको चेक करना है कि किसके बीच में लाए करेगा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपका यहाँ पे आइटम मतलब जो भी आपका साइज होगा वही आपका क्या हो जाएगा मीडियम हो जाएगा क्लियर आगे बढ़े चलिए देखो यहाँ पे ना बच्चों कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आपको एक फॉर्मुला गिवन है ठीक है कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मुला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मुला गिवन है आपको प्रोसीजर आपका वही सेम रहेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में पहले आप सीरीज को करो ठीक है अरेंज फिर उसके बाद में आपको क्या करना है जो आपकी फ्रीक्वेंसी उसको आपको कमलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज करना है ठीक है सो नंबर ऑफ वर्कर्स आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो वेज रेट है वो आपकी क्या है वो आपकी आ, आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज है कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको पता है ना क्या होती है जैसे जीरो टू टेन फिर टेन टू ट्वेंटी फिर ट्वेंटी टू थर्टी इस तरीके से आपकी ये क्या होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है ठीक है बच्चों तो चलो तो बच्चों यहाँ पे आप एक चीज गौर करना इस फॉर्मूले के अंदर कि अपने पास में ना एन प्लस वन अपॉन टू नहीं है अपने पास में क्या है इस फॉर्मूले के अंदर एन अपॉन टू है ठीक है तो पहले अपन को ये सॉल्व करना पड़ेगा फिर सारी की सारी वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट करेंगे ठीक है तो अपन इसको एक बार देखते हैं अपन ने यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है फ्रीक्वेंसी अपन ने यहाँ पे लिख दी है अब यहाँ पे सममिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी आपको जरूरत पड़ेगी ठीक है सममिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा ठीक है जो अपना है ना ये एन बाय टू तो यही आपका सम्मिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो बस आप इसको ऐड कर दोगे अब आपको बात आती है कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की सो कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अभी तो अपन ने निकाला था तो आप निकाल लोगे इजिली है ना कैसे निकालना है फर्स्ट का तो फर्स्ट ऐसा ही रहेगा फिर ट्वेंटी से आपने यहाँ पे क्या निकाल ली बच्चों फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे निकाल ली है क्लियर अब यहाँ पे अपन को क्या करना है वैल्यूज को पुट करना है तो अपना एन कितना निकल के आया है यहाँ देखो एन अपना निकल के आया है वन सिक्सटी वन सो वन सिक्सटी वन

और यहाँ आइटम तो है नहीं तो हमेशा अपन क्या लेते हैं इसकी जो आगे वाली इसकी जो प्रिडिंग वैल्यू होती है उसको अपन फ्रीक्वेंसी की जगह पे लेते हैं अब आप सोचोगे कमलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने की हमें जरूरत कहां पड़ी है तो बच्चों यहाँ पे ना क्वेश्चन में आप देखो कमलेटिव फ्रीक्वेंसी की अपनी जरूरत आ पड़ रही है ना तो कमलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन हमेशा लेते हैं इससे पहले वाली ठीक है जो भी सीरीज है आपकी जो भी सीरीज है आपकी उस उस सीरीज को और उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन लेते हैं लेकिन जब बात आती है कम फ्रीक्वेंसी की तो उससे हमेशा अपन फर्स्ट वाली लेते हैं ठीक है कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार मैं आपको वापस बताती हूं अपन ने क्या किया है बच्चों सीरीज लिख ली अपन ने यहाँ पे ठीक है जो अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है फ्रीक्वेंसी अपन ने लिख ली फिर फ्रीक्वेंसी को भी अपन ने यहाँ पे क्या किया है समप किया है सम्मिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर जो एन है अपना वो कितना आ गया है बच्चों वन सिक्सटी वन आ गया ठीक है कम्बुलटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालने आती है सो so फर्स्ट तो यही हो जाती है उसके बाद में सेकेंड निकालने के लिए आप क्या करते हो इसको इससे प्लस करते हो फिर इसको इससे प्लस करते हो इसको इससे इसको इससे या प्लस कर देते हो और आपके पास में कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है ठीक है फिर आपका स्टेप क्या रहता है कि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हो यानी कि एन बाई टू तो एन आपका आया है वन सिक्सटी वन पे, पे लाई करेगा ठीक है तो हंड्रेड एंड सिक्स के आसपास क्या है इसके 80 के आसपास सिक्सटी तो है नहीं मतलब से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है तो ये है तो सीरीज अपनी कौन सी आ जाएगी ट्वेंटी से थर्टी वाली सीरीज आ जाएगी फ्रिक्वेंसी अपनी कौन सी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी भी अपनी 46 आ जाएगी लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, है ना पहले वाली होती है क्लियर तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आ, देखो फिर क्या होता है कि अब जब इन चीजों में अपन मिस्टेक कर देते हैं तो अपना पूरा जो आंसर है वो जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाता है ठीक है तभी तो स्टेटिस्टिक्स को अपन थोड़ा सा कहते हैं कि भाई हाँ ये दिमाग से काम लेने वाला सब्जेक्ट है ये ठीक है तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अब बस फॉर्मूला आपको पता है है ना फॉर्मूला देखा ही था फॉर्मूले के अंदर अपन को बस वैल्यूज को पुट करना है ठीक है राइट सो पे यानी कि लोअर लिमिट अब लोअर लिमिट इसकी क्या है बच्चों ट्वेंटी है अपना फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम इज इक्वल्स टू एल वन एल वन अपना कितना आया बच्चों ट्वेंटी सीरीज की लोअर लिमिट जो सीरीज अपन उठा रहे हैं ना उसकी लोअर लिमिट तो वो ट्वेंटी है ठीक है प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी है ना अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू आई आई इज इंटरवल ठीक है अब ये आप बोलोगे तो बताया नहीं सो so, तो जीरो से देख सकते हो माइनस जो अपर लिमिट में से माइनस कर दो ट्वेंटी माइनस टेन हाउ मच टेन ठीक है थर्टी माइनस ट्वेंटी हाउ मच टेन सो आपका इंटरवल यहाँ पे कितने का है टेन का है ठीक है तो बस बच्चों अब आपको क्या करना है एन आपका कितना आया था 161 सिक्सटी वन माइनस फ्रीक्वेंसी अपन ने जस्ट अभी देखा था कि अपन फ्रीक्वेंसी ये नहीं लेंगे ये वाली लेंगे उसकी वाली. तो अपनी, हाँ पे क्या आ जाएगी? 60. अपनी कितनी है देखो फ्रीक्वेंसी अपनी है फोर्टी सिक्स सो फ्रीक्वेंसी की जगह पे फ्रीक्वेंसी और इंटरवल कितने का है अपना टेन का है ठीक है देखो यही वैल्यूज यहाँ पे पुट करी है इसको जब अपन ने सॉल्व किया है 161 upon 2 is 80.5 minus 60 46 दिया so तो 20.5 आ गया फिर जो आपने और इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर क्या आ गया मीडियन अपना निकल के आया है रुपीज ट्वेंटी ठीक है 24.46 फोर इज योर मीडियन क्लियर सो so, दो तीन चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है ग्रुप्ड के अंदर ग्रुप के अंदर भी कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है उसके अंदर है। कि सबसे पहले तो आपको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है फिर जो आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है फिर अपॉन टू के अंदर आपको वैल्यू लगानी है ठीक है वैल्यू निकालने के बाद में जो भी आपके पास में आइटम आता है उस आइटम को आपको देखना है कि वो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर वो सूट हो रहा है वो क्लास इंटरवल लेना है और उसके सामने वाली जो प्रोसीडिंग uh, मतलब उसकी जो uh, जो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको वो फ्रीक्वेंसी लेनी लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी ऊपर वाली लेनी क्लियर और बस सारी वैल्यूज आप लोगों ने फॉर्मूले में लगा देनी है खत्म बात ठीक है चलिए अब अपन यहाँ पे आगे, आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे क्या है बच्चों एक और आपका क्वेश्चन है बाय सम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार फिर आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज है अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स डाल देते हैं ठीक है एक अपन कर चुके हैं एक और यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी सिक्सटी से सेवेंटी सेवेंटी से एट्टी सीरीज आपने देख ली सीरीज देख के आप समझ गए हाँ चलो ठीक है ये कैसी सीरीज है continuous सीरीज है कॉन्टीन्यूस सीरीज ही तो है ट्वेंटी पे थर्टी थर्टी फोर्टी फोर्टी इस तरीके से तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है उनको यहाँ पे मीडियम निकालना है कैसे निकालेंगे बच्चों सीरीज अपन ने लिख ली फ्रीक्वेंसी अपन ने लिख ली ठीक है कमुलिटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल लिख लेंगे भाई चलो ब्लैक कर देते हैं पेन का कलर सो so, 42 की टू ही रहेगी फोर्टी टू प्लस टू हंड्रेड प्लस इज टूटी फ्रीक्वेंसी भी अपन ने लिख ली फ्रीक्वेंसी का सबमिशन आपका आया है कितना 399, ठीक है अब n upon, n बाई टू एन बाई टू करोगे ना सो so, n अपॉन टू जब आप करते हो तो so n आपका कितना थ्री 399, नाइन सो थ्री नाइनटी नाइन बाई टू इज सम नाइन आइटम सो 199 के आसपास 199 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है बच्चों यहाँ पे ये रही 199 से जस्ट बड़ी वाली कौन सी है 200 तो क्लास इंटरवल आ गया अपना ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी ये लेकिन क्युम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपनी इसकी ऊपर वाली प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल भी देख लो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 यानी कि क्लास इंटरवल भी कितने का है 10 का है सब पता लग गया ठीक है अब कहां है अपना फॉर्मूला ये रहा अपना फार्मूला डाली वैल्यूज सारी इसको सॉल्व किया मीडियन अपना कितना निकल के आ गया 39.96 अपना यहाँ पे मीडियन निकल के आ चुका है बताओ कोई समस्या हो तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बाकी मेरे को लगता नहीं कोई समस्या होनी चाहिए क्योंकि आप अगर स्टेप्स के हेल्प से करोगे ना सारी चीजें तो आपको बहुत इजी लगेगा आपको इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना होगा ठीक है क्योंकि बहुत से ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे हैं Uh, अपने स्टेटिक्स के ऊपर और मतलब मैंने थोड़ा सा क्या है कि मैं भी रिसर्च करती हूँ जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं कि भाई बाकी सब लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं बच्चे बच्चे की अप्रोच क्या है तो काफी चीज मैंने देखी है कि जो टीचर्स हैं वो रिटर्न जो नोट्स होते हैं ना उन उनपे ज्यादा फोकस करते हैं स्टार्ट में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिटन नोट्स जितना आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा ठीक है थीके? तो रिटन नोट्स आप अपने आप हाँ लिखो स्टार्ट के स्टेप्स uh, जो होते हैं वो अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखो लेकिन इसके इनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ओके okay? सो so, बच्चों यहाँ पे आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट है विच इज कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज अब देखो अभी तक तो क्या था अपन के पास में फ्रीक्वेंसी गिवन थी मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन थी अपन उसको कन्वर्ट करे थे कम्युलेटिव के अंदर अब अपन को क्या गिवन है अब अपन को यहाँ पे कम्युलेटिव है तो अपन इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इसको अपन को सिंपल फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी ठीक है उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि अपन को यहाँ पे सीरीज बनानी पड़ेगी तो लेस देन टाइप अपन सीरीज बना लेंगे सो so, यहाँ पे सीरीज अपनी कैसे बनेगी बच्चों थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू सेवेंटी एंड लास्ट इज सेवेंटी टू ये आपके यहाँ पे सीरीज बन गई ठीक है देखो यहाँ पे ये आपकी सीरीज बन गई फ्रीक्वेंसीज आपने लिख दी जो भी उसकी कोइंसिड सो so, यहाँ पे आपकी सीरीज बन गई जो भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है वो फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे लिख दी है अब बच्चों यहाँ पे मतलब कमिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनानी है ठीक है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है सो जब अपने पास में फ्रिक्वेंसी uh, गिवन होती थी और जब अपन उसको कमिलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपन उसको कन्वर्ट करते तो अपन क्या करते थे इसको प्लस करते थे ऐसे करके ठीक है लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई है अब सिचुएशन हो गई है वाइस वर्सा यानी कि अपन को यहाँ पे क्या गिवन है कमलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है अपन को निकालनी है फ्रीक्वेंसी तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा तो फर्स्ट वैल्यू तो आप लोगों को पता है फर्स्ट वैल्यू अपन एज इट इज लिख देते हैं फिफ्टीन को फिफ्टीन ही लिख देंगे फिर क्या करेंगे थर्टी में से फिफ्टीन को माइनस कर देंगे फिर सिक्सटी में से थर्टी फाइव माइनस कर देंगे 84 में से को माइनस कर देंगे इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे बच्चों फ्रीक्वेंसी आप इजिल यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे इसका जब आप सबमिशन कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो एन है वो निकल के आ जाएगा तो आपको पता है अब आपको क्या करना है एन बाय टू आपको करना है एन आपका कितना निकल के आया है बच्चों टू फिफ्टी अपॉन टू इट इज इक्वल टू वन ट्वेंटी ठीक है सो वन ट्वेंटी फाइव यहाँ पे आपका क्या निकल के आया है दिस इज योर एन बाई टू अब आप देखो यहाँ पे कम्पलेट फ्रीक्वेंसी के अंदर की वन ट्वेंटी फाइव के आसपास कौन सा है एक्चुअली अपन यहाँ पे देखते हैं बड़ा कौन सा है सो वन ट्वेंटी से बड़ा यहाँ पे आपको जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 125 से बड़ा तो 127 है यानी कि ये वाला क्लास इंटरवल 50 टू 60 ठीक है ये वाला इंटरवल आपको लेना है ये वाली फ्रिक्वेंसी आपको लेनी है और कम्युनेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है जस्ट इसके ऊपर वाली अपन लेते हैं ठीक है सब चीज आपको पता लग गई अब बस आपको फॉर्मुले में यहाँ पे क्या करना है वैल्यूज को पुट कर देना है में आपको वैल्यूज को जब आप पुट करते हो सो देखो यहाँ पे जो सीरीज अपने पास में निकल के आई है इसकी लोअर सीरीज क्या है फिफ्टी मतलब लोअर वैल्यू इसकी फिफ्टी है प्लस अपना एन बाइ टू आ गया है यहाँ पे माइनस नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स क्या है बच्चों यहाँ पे आपका सो ये देखो 96 क्या है बच्चों 96 आपका कमले से फ्रीक्वेंसी है ठीक है और इंटरवल क्लास इंटरवल भी देख लो आपका कितना है जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी इंटरवल भी टेन का है सो so, इंटरवल भी आपने लिख लिया और थर्टी वन आपकी क्या है बच्चों ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बिल्कुल सही मैनर में एकदम ईजी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका मीडियन जो वेज रेट है वो कितनी निकल के आएगी रुपीज फिफ्टी नाइन पॉइंट थ्री फाइव ठीक है सो so, काफ़ी बार क्वेश्चन uh, के अंदर मतलब क्वेश्चन पेपर में ना आपसे थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप 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 उसको ये सोच के बैठे हो दिमाग में कि चलो ठीक है अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी अपन को इसको कम में इसको कन्वर्ट करना होगा लेकिन वो आपसे ज्यादा चतुर है वो क्या करते हैं वो आपको कम्यटिव ही दे देते हैं पर फिर आपको उसको नॉर्मल सिंपल फ्रिक्वेंसी के अंदर पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा क्लियर सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अपना अगला जो टाइप है वो भी अपन देख लेते हैं सो अगला टाइप मुझे पता था क्या आने वाला है इंक्लूसिव सीरीज देखो इंक्लूसिव सीरीज के अंदर सबसे पहली चीज तो इंक्लूसिव सीरीज होती क्या है जैसे जीरो टू टेन इलेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू फोर्टी ये होती है बच्चों आपकी इंक्लूसिव सीरीज जिसके अंदर रिपीटेशन आपको पूरी सीरीज में कहीं देखने को नहीं मिलेगा लेकिन के आपको रिपीटेशन देखने को नहीं मिलेगा सो so जब भी इंक्लूसिव सीरीज होती है तो सबसे पहला काम अपन को क्या करना पड़ता है इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव के अंदर एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर इसको अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है अब उसके लिए पहला स्टेप आपका क्या रहेगा देखो अब यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है बच्चों तो मार्क्स को पहले आप क्या करोगे असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको प्लेस कर दोगे ठीक है तो इसको जब अपन असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे तो यहाँ पे किस तरीके से होगा तो यहाँ पे ब्लैंक शीट ले लेते ले हैं उसके अंदर करते हैं सो so, यहाँ पे अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं तो स्टार्ट अपन करते हैं फ्रॉम इलेवन टू फिफ्टीन फिर सिक्सटीन टू ट्वेंटी फिर 21 टू 25, 26 टू थर्टी देन 31 टू 35, यही है 31 टू 35, उसके बाद में 36 टू 40, 41 टू 45 फोर्टी टू फिफ्टी यही सीरीज है आपकी ठीक है इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या कर लिया प्लेस कर लिया अब देखो बच्चों यहाँ पे जब आप इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की तरफ जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है जो आपकी फर्स्ट इंटरवल है जो आपका फर्स्ट इंटरवल है उसकी लेनी होगी आपको हाईएस्ट वैल्यू और सेकंड इंटरवल की आपको लेनी होगी लोएस्ट वैल्यू इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा तो सिक्सटीन माइनस जैसे इसकी लोएस्ट वैल्यू अगर आप देखोगे सॉरी इसकी हाईएस्ट वैल्यू आप देखोगे और इसकी लोएस्ट वैल्यू आप देखोगे देखोगे इन दोनों के बीच डिफरेंस तो भी आपका कितना आएगा वन आएगा अब इस वन को आप क्या कर दोगे डिवाइड बाय टू कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा ठीक है अब बच्चों ये जो जीरो पॉइंट फाइव है वो आपको क्या करना है वो छोटी वैल्यू के अंदर तो आपको माइनस करना है माइनस जीरो पॉइंट फाइव और बड़ी वैल्यू के अंदर आपको प्लस करना है जीरो पॉइंट फाइव जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो सीरीज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी सब जगह आपको यही करना है जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे माइनस करना है सभी जगह ठीक है और उस तरफ आपको क्या करना है जीरो पॉइंट फाइव को प्लस करना है इधर So तो जब आप इस तरीके से कर लोगे तो आपके पास में एक नई सीरीज होगी और वो सीरीज कैसी होगी वो सीरीज आपकी ये होगी 11 में से जब आप 0.5 माइनस कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है 10.5 फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो 15 में जब आप 0.5 प्लस कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है ठीक है सो आप इस तरीके से इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में आप कन्वर्ट कर लोगे फिर जो इनकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे गिवन है वो उस उसी फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे सिंपल है उसी फ्रीक्वेंसी को आपने प्लेस कर दिया अब कम्युलेटिव बनाना है तो कम्युलेटिव बनाने के लिए फिर आपको पता है फर्स्ट वैल्यू तो ऐसे ही आ जाती है सेवन प्लस टेन इज सेवन सेवेंटी सिक्स इज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस थर्टी फाइव इज नाइनटी वन एंड सो ऑन सो फिर आपको क्या करना है फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है फिर आपको इसको में पुट करना है एन आपका कितना 129. So, 129 आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? Item, अब यहाँ पे आपको देखना है कि सिक्सटी आइटम से जस्ट बड़ा आइटम कौन सा आपकी कम्पलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर सो so, देखो यहाँ पे फिफ्टी तो सिक्सटी से कम हो जाएगा तो नेक्स्ट कौन सा है नाइनटी इंटी so, वन वाली जो आपकी सीरीज है यानी कि ये वाली सीरीज जो है आपकी बच्चों यही इंटरवल आपका काउंट यहाँ पे होगा ठीक है यही इसी इंटरवल को आप काउंट करोगे इसी फ्रीक्वेंसी को आप लोगे लेकिन कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके ऊपर वाली आप यहाँ पे काउंट कर लोगे ठीक है चलो अब यहाँ पे आप एक बार देखो आप, आपके पास में फॉर्मूला है फॉर्मूले के बेसिस पे आपने सारी वैल्यूज पुट कर ली है और जो मीडियम वेज रेट है वो आप यहाँ पे इजिली निकाल लोगे ओके थर्टी आपका क्या आ गए हैं यहाँ पे ये मार्क्स आ गए हैं। ये आपको clear हो गया होगा अच्छे से। के अंदर और एक्सक्लूसिव के अंदर किस तरीके से किया है वो मैं आपको बता देती हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस so, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है one, one two, अगर अगर अपन करेंगे, तो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव तो इधर वाले में से 0.5 तो अपन करते हैं माइनस और इधर वाली वैल्यू में 0.5 पॉइंट फाइव क्या कर देते हैं प्लस तो इस तरीके से अपने पास में एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाती है अब यहाँ पे बच्चों एक और टॉपिक है आप लोगों के लिए कैलकुलेशन ऑफ क्लास आर लिएक्वल अब यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल्स बहुत अनइक्वल हैं ठीक है ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है यहाँ पे जैसे क्लास इंटरवेल है आपका फाइव फाइव टू टेन फाइव ये टेन 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 ठीक है मतलब इधर तो ट्वेंटी ठीक है फिर फिफ्टी से सेवेंटी ट्वेंटी फिर थर्टी सो so, यहाँ पे आपने देखा कि क्लास इंटरवल आपके कैसे अनइक्वल है अब इस केस में क्या करना है सो so, इस केस में तो कुछ ही नहीं करना इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है जो आपका सिंपल तरीका होता है बस उस उसी तरीके से आपको करना है क्लास इंटरवल आपको लिख देने हैं फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे निकाल ली फ्रीक्वेंसी जो आपकी वन आई है उसको बस आपने यहाँ पे वन अपॉन सिक्स टू यानी कि सेवेंटी एट टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देख लो सेवेंटी टर्म मतलब 52 तो छोटा हो जाएगा तो 78 से जस्ट बड़ा 92 टू यानी कि ये वाली सीरीज अपन ले लेंगे और फ्रीक्वेंसी अपन 52 ले लेंगे तो बस यहाँ पे अपन ने फॉर्मूले में सभी चीजों को पुट कर दिया और मीडियन अपना क्या निकल के आ गया बच्चों मीडियन अपना निकल के आ गया यहाँ पे ठीक है क्लियर तो अगर आपके पास में अनइक्वल इंटरवल uh, वाली सीरीज आ भी गई है तो भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है उसमें तो अनइक्वल में तो कुछ नहीं करना जो अपन को गिवन है एज इट इज अपन को रखना है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है नंबर वहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स अपन को कैलकुलेट करना है एन बाय टू करना है और जो भी सीरीज अपने पास में होगी उस सीरीज के सभी वैल्यू को अपन को क्या करना है फॉर्मूले में पुट कर देना है दैट्स इट ओके सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अपन और राइट तो बच्चों अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर इट इज टू लोकेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज देखो अब आपके ना सामने ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसी आपके पास में टेबल आ सकती है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज आपकी यहाँ पे मिसिंग होंगी ठीक है मिसिंग होने का मतलब ये है कि जैसे आपको ये टेबल यहाँ पे दिख रही होगी ठीक so है सो यहाँ पे मार्क्स आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर दो जगह ऐसी ऐसा है जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा ठीक है एक ये है और एक ये है यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी वो मिसिंग है अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप किस तरीके से ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये आप कैलकुलेट करोगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे लेकिन एक चीज मैं आपको बता दू कि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन में ना ऑलरेडी गिवन होगा क्या दो चीजें आपको गिवन होगी एक एन आपको गिवन होगा और एक एम आपको गिवन होगा ठीक है इससे होगा क्या इससे होगा ये कि आपका जो सोल्यूशन uh, है वो आप थोड़ा सा इजीली यहाँ पे निकाल पाओगे ठीक है तो अब यहाँ पे अपन को मीडियन ऑलरेडी गिवन है नंबर ऑफ आइटम्स अपन को ऑलरेडी गिवन है दो वैल्यूज जो कि यहाँ पे नहीं है बस वो वैल्यूज अपन को यहाँ पे वैल्यूएट करनी है ठीक है चलिए इसको अपन देखते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि अपन यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे हर क्वेश्चन की तरह तो यहाँ पे देखो अपन ने मार्क्स ले लिए हैं ठीक है थीके? फिर उसके आगे जो फ्रीक्वेंसी जैसे अपन को गिवन है बस उस तरीके से अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लिए है जहां पे एफ वन गिवन है वहां पे पर एफ वन लिख लिया जहां पे एफ टू गिवन है वहां पे अपन अपन ने लिख लिया फिर को कमलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है सो ली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वैल्यू तो अपन एज इट इज लिख देते हैं करेक्ट उसके बाद में अपन क्या करते हैं टेन प्लस एफ वन ये लिख देते हैं फिर उसके बाद में टेन प्लस एफ वन प्लस 25, which is equals to 35. Okay. फिर 35 plus 30 is equals to 65. For F1 आपका as it is आ जाएगा. फिर इसको आप इससे प्लस करोगे यानी कि 65 प्लस f1 प्लस f2 फिर उसके बाद में 65 को आप 10 से प्लस करोगे यानी कि 75 प्लस f1 प्लस f2 ठीक है तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चों कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है चल. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता है कि क्वेश्चन में आपको एन आपको यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑलरेडी दे रखा है इज ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को ना अपन यहाँ डिवाइड करेंगे और फिर उसको अपन करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की तरफ एक बार देखो फ्रॉम सममिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज को अपन सम अप कर लेते हैं यही अपन करते हैं तो जो अपने पास में नहीं गिवन है उसको एक बार साइड रखते हैं और जो चीज गिवन है उसको अपन यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं ठीक है सो देखो यहाँ पे टेन इसको, इसको, इसको इसको प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन इज इक्वल टू हंड्रेड वो किसके बराबर है 100 के बराबर है। ठीक है क्योंकि ऑलरेडी को 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 यहाँ पे हंड्रेड गिवन है ओके तो यहाँ पे अपन यही इक्वेशन बना ली देखो सेवेंटी फाइव प्लस एफ वन प्लस टू हंड्रेड ठीक है अब देखो 100 में से जब आप 75 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना आएगा 25 यानी कि F1 ट्वेंटी यहां से ठीक है अब देखो ये तो हो गई अपनी इक्वेशन वन अब अपन यहाँ पे आगे आते हैं इक्वेशन टू अपन देखते हैं देखो इक्वेशन टू के अंदर आपको जो अब आप काम आने वाला है वो क्या है कि जो क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन है ठीक है क्वेश्चन में आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन था थर्टी तो अब वापस से टेबल की तरफ आओ सो जब अपन टेबल की तरफ आएंगे वापस से तो अपन को पता है कि क्वेश्चन में अपन को मीडियम गिवन है थर्टी ये थर्टी अपनी क्या हो जाती है बच्चों फ्रीक्वेंसी हो जाती है बिल्कुल ये अपना हो जाती है क्लास इंटरवल जस्ट उसके जो सामने होती है और कमलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाती है बच्चों कमलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है जस्ट उसके ऊपर वाली यही लेते हैं अभी तक अपन ठीक है सो बस अब आपको क्या करना है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था ये क्लास इंटरवल अपन ने ले ली कंप्लेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने लिया फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है ठीक है सो ये अपना फॉर्मुला है फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है कर लेते हैं चलो कोई बात नहीं एम स्टैंड मीडियम एल वन इज इक्वल्स टू योर लोअर लिमिट ठीक है फिर एन अपॉन टू सो देखो एन आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है हंड्रेड हंड्रेड बाई टू इज इक्वल्स टू फिफ्टी राइट सो बस यहाँ पे देखो मीडियम क्वेश्चन में आपका कितना गिवन है थर्टी प्लस ये आपका एना पॉइंट आ गया फिफ्टी माइनस कमलेटिव फ्रीक्वेंसी कमलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन ने ऊपर वाली ली है यानी कि कौन सी वाली थर्टी फाइव प्लस एफ वन ये वाली अपन ने फ्रीक्वेंसी ली है फिर फ्रीक्वेंसी अपने पास में थर्टी है और क्लास इंटरवल अपना कितना है टेन का यहाँ पे देखिए एक बार क्लास इंटरवल का जो गैप है वो कितने कितने का है वो है टेन का ठीक है चलिए अब जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में एफ है ना एफ वन ये तो निकाल रहे हैं अभी अपन एफ अपने पास में कितना आ जाएगा बच्चों फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है अब देखो टेबल के अंदर अपन को F1 भी फाइंड आउट करना था और F2 भी, भी अपन को फाइंड आउट करना था F1 वन अपने निकाल चुके हैं यहाँ पे F2 टू अब निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे हम अपने अपन ने यहाँ पे दो इक्वेशन क्या की है निकाली है मतलब दो इक्वेशन अपने इवेल्यूएट किया अब इसको substitute कर अपन ठीक है सो फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन अब अपन को पता है इनिशियली अपन को पता है कि एफ वन प्लस एफ टू किसके बराबर था ट्वेंटी फाइव के बराबर था इसमें से f1 अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितना आया 15 आया ठीक है ये आपका f2 25 इजीली निकाल लोगे ना अब तो सो so f2 25 ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा राइट right? 25 में से 15 माइनस करोगे सो so f2 विल बी 10 सो so f1 इधर मैं लिख देती हूं f1 आपका आया 15 और f2 आपका कितना आ गया यहां पे 10 ओके okay? ठीक uh, है सो एफ वन इज यिफ्टीन एंड एफ टू इज योर टेन आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल इस तरीके से आप लोग क्या करोगे जो भी मिसिंग आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी जो भी मिसिंग आपकी वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे इवेल्युएट कर लोगे इजीली ठीक है दो इक्वेशन में आपको इसको डिवाइड करना है बस वेरी इजीली जो आपका फॉर्मुला है उस फॉर्मुले में वैल्यू पुट करनी है और बस आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा सो आई होप अब आप आगे इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ठीक है चलो अब अपन यहाँ पे ग्राफिक डिटर्मिनेशन की बात करते देखो ग्राफिक डिटर्मिनेशन यानी कि ग्राफ के हेल्प से है ना अब आप ग्राफ के हेल्प से क्या करने वाले हो बच्चों मीडियन पे कैलकुलेट करने वाले हो या मीडियन यहाँ पे आप प्रेजेंट करने वाले हो ग्राफ की हेल्प से जब अपन ने पढ़ा था कि अपन जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ की हेल्प से तो उसको अपन क्या किस नाम से जानते हैं ओगाइव के नाम से जानते हैं ठीक है ओजाइव ओगाइव जो भी आ, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करें अब इसके अंदर दो चीजें अपन ने पढ़ी थी बच्चों अगर आप नहीं भूले हो तो एक पढ़ी थी अपने लेस देन वैल्यू ठीक है लेस देन एंड मोर देन दो तरीके से अपन ने पढ़ा था ना अब देखो यहाँ पे अगर आप भूल गए हो कि भैया जो अपन ने डेटा प्रेजेंट करने वाली जो चीजें पढ़ी थी उसके अंदर जब अपने उजाइफ को पढ़ा था तो उसमें किन किन चीजों को अपन ने मतलब uh, ध्यान रखा था किन किन चीजों के बारे में अगर अपन ने मतलब जो भी अपन ने पढ़ा था अगर आप भूल चुके तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपका वापस से रिविजन हो जाएगा और जिनको याद है उनके लिए तो और अच्छा अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगा तो यहाँ पे अपने दो तरीके से इसको डिवाइड किया था लेस देन एंड मोर देन ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों की आपकी ना दो तरीके से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे मैं आपको बता देती हूँ इस तरफ एक आता है एंड और एक आएगा और ठीक है एंड मतलब होता है कि दोनों लेस देन भी एंड मोर देन भी लेस एंड मोर लेस एंड मोर और जब और आ जाता है तो और का मतलब होता है या तो आप लेस देन से उसको आ, मतलब इवेल्युएट करो या फिर मोर देन से करो एंड जब होता है तो इसका मतलब यह है कि इस यहां पे आप लेस देन भी यूज करो और मोर देन भी यूज करो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है पर आपको अभी समझ में आएगा

इन दो तरीके तरीकों से आप ग्राफिकली जो डेटा है आपका वो आप प्रेजेंट करोगे यही मैंने बताया तो जहां पे और आता है तो वहां पे या तो आप लेस देन से आपको डेटा प्रेजेंट करना है ग्राफिकली या फिर मोर देन से करना है ठीक है मतलब ऑप्शन है यहाँ पे ये। लेकिन एंड जहां पे आ जाता है वहां पे दोनों ही तरीके से आपको क्या करना है डेटा प्रेजेंट करना है यानी कि दोनों लेस देन और मोर देन दोनों ही कर्व यहाँ पे बनेंगे ठीक है अपन ने पढ़ा है ना लेस देन मोर देन इस तरीके से दोनों कर्व यहाँ पे बनेंगे ठीक है आगे बहुत ही ईजी है ये ये वाला टॉपिक तो सबसे ज्यादा ईजी है ठीक है तो लेस देन पहले अपन समझ लेते हैं अब यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं बच्चों लेस देन और मोर देन और ले रहे हैं अपन ठीक है कि या तो ये ले लो या फिर ये ले लो ठीक है तो दोनों ही केसेस अपन एक बार देख लेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सो so, और की सिचुएशन है सो so, और की सिचुएशन में अपन को कोई भी एक पिक करना है सो डिटरमाइन माइंड मीडियन वैल्यू इन दॉलोइंग सीरीज यूजिंग ग्राफिक मेथड ठीक है ग्राफिक मेथड की हेल्प से जहां पे भी ग्राफिक मेथड आ जाए सो तो बस आपको तो यहां पे कंफ्यूज होना ही नहीं है अपना उगाइव ही यहाँ पे उगाइव अप्रोच अपनी पे काम आएगी ठीक है चलिए ना हो यहां पे आपको क्या क्या चीजें गिवेन है, है सबसे पहले तो आप ये देख लो तो यहां पे आपको क्लास इंटरवल गिवेन है फिर यहां पे आपको क्या चीज गिवेन है आपको फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज योर फ्रीक्वेंसी ये आपकी क्या है बच्चों ये आपकी है फ्रीक्वेंसी ये आपका क्या है वेरिएबल ओके okay, चलिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले अपन यहां पे ले रहे हैं लेस देन ठीक है लेस देन अप्रोच ले रहे हैं लेस देन अप्रोच ले रहे हैं अपन यहाँ देन के अंदर आप, आप किस तरीके से कौन सी वैल्यू को लेते हो देखो लेस देन में हमेशा जब आप, आपको लेस देन बोला जा रहा है तो आपको हमेशा बड़ी वाली वैल्यूज लेनी है इसका ऑपोजिट वर्क करता है ये ठीक है लेस देन के अंदर आप हमेशा कौन सी वैल्यूज लोगे ये वाली लेस देन फाइव लेस देन टेन लेस देन फिफ्टीन लेस देन ट्वेंटी फोर्टी ठीक है इस तरीके से ही करते आ रहे हैं अपन है ना सो so, लेस देन फाइव इस तरीके से आपने कर ली सारी वैल्यूज यहाँ पे आपने लिख ली ठीक है अब देखो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि जब अपन ने यहाँ पे पुराने अगर आप वीडियोस को रेफर करोगे और यहाँ पे अपने जब उजाइफ तौर पढ़ा था तो उसके अंदर अपन दो तीन चीजें पड़ी थी ठीक है कि आपको ये सारी चीजें तो हमेशा याद रखनी सबसे पहले ये थी कि जब ये मोर तो देन वाली वैल्यूज मतलब जो ग्रेटर वैल्यूज होती है उसको अपन यहाँ पे मैंशन करते हैं और जब अपन मोर देन ओ बनाते हैं तो उसके अंदर जो स्मॉलर वैल्यूज होती है उनको अपन यहाँ पे मैंशन करते हैं ठीक है अब ये जो कमिलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी है किस तरीके से कैलकुलेट करी है वो अपन देखते हैं यहाँ पे सो so, इस तरफ कहीं पे मैं यहाँ पे अपन मैं साइमल्टेनियसली आप लोगों के लिए इसको कर देती हूँ ठीक है सो लेस देन फाइव अब यहाँ पे देखो लेस देन फाइव कितना है फोर तो फोर यहाँ पे आपका एज इट इज आ गया ठीक है लेस देन टेन कितना है बच्चों लेस देन टेन है फोर प्लस सिक्स यानी कि टेन तो इसको अपन फोर प्लस सिक्स यानी कि टेन ठीक है फिर लेस देन फिफ्टीन कितना है फोर प्लस सिक्स प्लस टेन यानी कि ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स प्लस टेन राइट फिर उसके बाद में फोर प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस टेन लेस देन ट्वेंटी कितना है फोर प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस टेन ठीक है फिर लेस देन ट्वेंटी फाइव कितना है फोर प्लस सिक्स प्लस 10 प्लस टेन प्लस हाउ मच प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू फिफ्टी फाइव सेम इसी तरीके से यहां पे भी आ जाएगा आपका फोर प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस हाउ मच देखो ट्वेंटी टू ट्वेंटी ठीक है so, सो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो इस तरीके से आप यहाँ पे कम्पिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो है होना दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम टाइप ऑफ कैलकुलेशन जब अपने उप पढ़े थे तब अपन ने इनको बड़ी ही डिटेल में समझा था कि किस तरीके से अपन यहाँ पे कमलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं ठीक है सो लेस देन के अंदर हम हमेशा किस तरीके से एड ऑन करते हैं अपन हमेशा इस तरीके से चलते हैं और मोर देन के केस में अपन हमेशा उस तरफ से आते हैं ठीक है वो वाला केस भी अपन यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो चलो यहाँ पे आप इस तरीके से इनको भी आप सॉल्व कर लेना और आपका यहाँ पे कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल के आ गई है राइट अब देखो अब यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे आप क्या लेते हो बच्चों अपने वेरिएबल्स लेते हो यू नो दिस एक्स एक्सेस पे आप अपने क्या लेते हो वेरिएबल्स और वाई एक्सेस पे आप क्या लेते हो फ्रीक्वेंसी राइट चलो ग्राफ तो आपका यहाँ पे बना हुआ है अब देखो यहाँ पे तो वाई एक्सेस पे आपने फ्रीक्वेंसी ली है ठीक है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्या है क्लास इंटरव्यू मतलब जो आपके आपके मार्क्स हैं वो क्या है वेरिएबल्स हैं तो लेस लेस देन देन इस तरीके से आपने सारे वेरिएबल पे लिख लिए ये आपकी क्या हो गई फ्रीक्वेंसी हो गई करेक्ट ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड अब बस कुछ नहीं करना है अब आपको जस्ट प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी इसको आपको प्लॉट करना है लेस देन फाइव लेस देन फाइव पे कितना है फोर सो so, यहाँ पे आपने फोर प्लॉट कर दिया

अब आपका यहां पे n क्या निकल के आया था इसके अंदर अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं n बाय टू एन बाय टू आप, आप यहाँ पे क्या यूज करते हो फार्मूला यूज करते हो तो n यहां पे आपका क्या है बच्चों n यहाँ पे आपका कितना आया हंड्रेड सो हंड्रेड बाई टू इज इक्वल्स टू फिफ्टी फिफ्टी ओके सो यहां पे n बाय टू वाली जो वैल्यू होती है ये ये फ्रीक्वेंसी आपकी कहां आती है इधर पे ये so, 50 आपने इधर प्लॉट किया अब इसके कोरिस्पॉन्ड में जो भी वैल्यू आएगी आपके एक्स एक्सिस पे वही आपका क्या हो जाएगा मीडियन सो so, इधर आपकी मीडियन कितना आया ट्वेंटी ठीक है इधर मीडियन आपका कितना आया ट्वेंटी आया है ओके okay? सो so, आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मीडियन आपका यहाँ पे 24 आ गया है एक बार मैं वापस बता देती हूँ किस तरीके से आया है सो so यहाँ पे देखो कर्व के अंदर अपन जब और की कंडीशन पढ़ रहे हैं तो और की कंडीशन में अपन लेस देन या फिर मोर देन वाली कंडीशन पढ़ते हैं तो एक बार अपन लेस देन ले रहे हैं और एक बार अपन मोर लें देन लेंगे लेस देन के अंदर आपको पता है लेस देन में हमेशा अपन जब अपन वैल्यूज लेते हैं तो ग्रेटर वाली वैल्यूज लेते हैं लेस देन फाइव लेस देन टेन लेस देन फिफ्टीन इस तरीके से ठीक है या आपको फ्रीक्वेंसी

तो नंबर ऑफ आइटम्स आपका यहाँ पे कितना है 100, 100 2 50. अब ये जो जो नंबर ऑफ आइटम्स आपका निकल के आया है ये आता है आपका वाई एक्स पे ठीक है ये आता है आपका y एक्स पे और उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो भी जहां पे भी आपकी लाइन टच हो रही है x एक्स पे वही आपका मीडियम हो जाता है ठीक है अब यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि स्केल आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ऊपर ठीक है कि y एक्सेस पे आप क्या अ, मेंशन कर रहे हो एक्स एक्सेस पे आप क्या मेंशन कर रहे हो ये जो वन वन सेंटीमीटर का गैप है एक्स एक्सेस और वाई एक्स पे ये किस कितने के बराबर है ठीक है वो आपको बताना है जिस हिसाब से भी आप यहाँ पे क्या ले रहे हो वैल्यूज को पुट कर रहे हो ओके उस हिसाब से आपको बताना है दैट वाई एक्सेस पे वन सेंटीमीटर मतलब वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस मच एंड एक्स एक्स पे वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू दिस मच ओके तो स्केल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप लेस देन वाइफ दोगे मोर देन वाइफ के अंदर बिल्कुल सेम इस, इसी तरीके से होगा लेकिन बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि मोर देन के अंदर आप हमेशा छोटी वाली वैल्यूज लेते हो टेबल वही है अपनी ठीक है मोर देन के अंदर आप क्या लोगे ये वाली वैल्यूज लोग टेन मोर देन फिफ्टीन मोर देन ट्वेंटी मोर देन ट्वेंटी फाइव मोर देन थर्टीन मोर देन थर्टी फाइव ठीक है तो बस आप ये वाली सारी की सारी वैल्यूज लोगे इसके अंदर मोर देन के अंदर एंड मोर देन फोर्टी ओके चलो अब यहाँ पे देखो जो कम्युनेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरीके से होगी सो मोर देन लास्ट वैल्यू अपन पे लेते हैं लास्ट वैल्यू में अपन हाँ पे क्या ले लेते हैं जीरो ले लेते हैं ठीक है फिर अपन यहाँ पे मोर देन के अंदर रिवर्स से स्टार्ट करते हैं कैसे अपन हाँ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फाइव से ठीक है और फाइव यहाँ पे पे प्लेस करोगे आप फाइव यहाँ पे प्लेस करोगे नीचे फिर फाइव प्लस जो भी आपकी नेक्स्ट वैल्यू है एटीन ठीक है फाइव प्लस एटीन फिर उसके ऊपर फाइव प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी टू फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ये सारी यहाँ तक वैल्यूज को आप प्लस करोगे फिर उसके ऊपर यहाँ तक आप वैल्यूज प्लस करोगे फिर उसके ऊपर यहाँ तक और सबसे ऊपर फिर आप फोर तक ठीक है सो इस तरीके से सबसे ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी हंड्रेड और सबसे नीचे वाली वैल्यू हो जाती है आपकी जीरो ठीक है सो मोर देन के अंदर आप हमेशा इस तरीके से चलते हो और लेस देन के अंदर आप हमेशा कैसे चलते हो आप इस तरीके से चलते हो ठीक है जो अभी आप आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर और कम्पलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर लेते हो अब बस कुछ नहीं करना है वाई एक्सेस पे आप लोगों को क्या लेना है फ्रीक्वेंसी लेनी है और एक्स एक्सेस पे आप लोगों को क्या लेना है वेरिएबल लेना है सो so, वेरिएबल्स आपने ले लिए मोर देन जीरो

मोर देन इज अब फ्रीली इनको क्या करना इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे अपन ठीक है अब देखो यहाँ पे एन बाई टू आपने किया था है एन बाई टू भी यहाँ पे कितना आया है पेन का कलर येलो सो एन बाई टू एन आपका कितना आया है हंड्रेड हंड्रेड बाई टू इज इक्वल्स टू फिफ्टी सो फिफ्टी आपका किस पे आ जाएगा Y पे और इसके कोरिस्पॉन्ड में जो भी वैल्यू आपकी टच हो रही है ट्वेंटी फोर वही आपका क्या हो जाएगा वही आपका मीडियन हो जाएगा सो so, चाहे आप लेस देन ओ गाइफ से करो या फिर मोर देन ओगाइफ से करो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए और की कंडीशन में ठीक है so, सो यहाँ पे इस केस में भी अपना जो आंसर आया है वो ट्वेंटी फोर है और इस केस में भी जो अपना आंसर आया है वो ट्वेंटी फोर है ठीक है so, तो आपको कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे ध्यान रखनी है जब भी आप ग्राफिकली मीडियन मतलब बन, प्रेजेंट करते हो इवेल्युएट करते हो एक तो फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला है एन बाय टू ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फिर एंड और, और और के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ठीक है और उसके बाद में जब आप लेस देन कर्व बनाते हो तो वो नीचे से ऊपर जाता है जब आप मोर देन कर्व बनाते हो तो वो आपका ऊपर से नीचे आता है ये थोड़ा सा इसके अंदर ना ऑपोजिट वर्क करता है लेस देन की जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें मोर वाली वैल्यू लेते हो मतलब ग्रेटर वैल्यू लेते हो और मोर देन की जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें स्मॉलर वैल्यूज लेते हो क्लियर चलिए तो ये तो हो गया आपका और की कंडीशन और की कंडीशन यहाँ पे आपकी फिनिश होती है अब अपन यहाँ पे लेते हैं एंड की कंडीशन सो एंड की कंडीशन में तो क्या होता है इसके अंदर दोनों ही बनाने होते हैं हमें लेस देन भी बनाना होता है और मोर देन भी बनाना होता है ठीक है तो ये हो जाता है आपका जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो हो जाता है मोर देन जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो हो जाता है लेस देन जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे वही आपका क्या हो जाता है मीडियम हो जाता है सिंपल बहुत ही सिंपल है ठीक है एक एग्जांपल देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे देखो अनदर वे ऑफ ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ दीडियनियस ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ दी लेस देन मोर देन यहाँ पे यह आपका मोर देन है आपका लेस देन सपोज ये किसी ना किसी पॉइंट पे तो ऐसे करके इंटरसेक्ट होंगे ठीक है ये आपका क्या है एक्स है बस तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही आपका मीडियन हो जाएगा फ्रीक्वेंसीज ठीक है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही आपका मीडियम रहेगा ये तो बहुत ही ईजी है अब इसको एक बार अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं ठीक है सो एस्टिमेशन ऑफ मीडियम लेस देन एंड मोर देन वाइफ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टेबल नहीं बनाने पड़ेगी डेफिनेटली आपको टेबल बनाने पड़ेगी वही वाली टेबल अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं सो so, एक तरफ अपन ने मोर देन ले लिया है एक तरफ अपन ने लेस देन ले लिया है ठीक है सो फिर उसके आगे तो देखो मोर देन फोर्टी और मतलब इस तरीके से आपने टेबल बना ही ली है इन सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट करना है ठीक है और कर्व्स बनाने हैं इस पॉइंट पे मैं अपने पेन का कलर कर लेती हूं इस पॉइंट पे ब्लू ओके okay? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह क्या कर रहे हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्ट जहां पे करके और ये एक्स एक्सेस पे जहां पे लाई कर रहा है विच इज ट्वेंटी फोर यही आपका मीडियन हो जाता है ठीक है और यहाँ पे भी आप देखोगे कि एक्स एक्सेस पे जहां पे ये टच कर रहा है वो आपकी मतलब जो वाई एक्सेस पे जहां पे ये टच कर रहा है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे कर रहा है फिफ्टी पे कर रहा है ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज फिफ्टी क्लियर सो ये हो जाता है बच्चों आपका एंड की सिचुएशन और इससे पहले वाली अपन ने देखी थी और की सिचुएशन क्लियर सो आई होप कि आपको अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और के अंदर आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ऑप्ट करते हो इधर लेस देन और मोर देन ठीक है फिर उससे आप क्या बनाते हो कमलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहले टेबल बनाते हो आप पूरी की पूरी फिर उस टेबल को आप Uh, मतलब पॉइंट्स में मतलब ग्राफ के अंदर आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो फिर उसको आप क्या कर देते हो ज्वाइन कर देते हो ठीक है ज्वाइन करने के बाद में एन बाई टू फॉर्मूला लगा के जो भी आपका आंसर यहाँ पे आता है वही आपकी क्या हो जाती है वही आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और उसके हिसाब से आप क्या करते हो मीडियन को मार्क कर देते हो ये तो जाती है और की सिचुएशन और एंड की सिचुएशन में दोनों ही ग्राफ्स आप बनाओगे जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे एक्सिस के वही आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा बहुत ही सिंपल क्लियर सो आई होप कि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ों के बारे में अपन ने यहाँ पे बात करी है वो सारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ठीक है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको यहाँ पे देखने में इतनी क्लियर नहीं होगी लेकिन अगर वो वही चीज़ें वही डायग्राम्स क्योंकि ये डायग्राम वाली चीज़ें ज्यादा है इसके अंदर अपन ने थ्योरी कम पड़ी है फॉर्मुले ज़्यादा है तो अगर इन्हीं चीज़ों को आप अपने हाथ से भी साथ साथ में करोगे तो वो ज़्यादा मतलब लंबे समय तक आप याद रख पाओगे और साथ ही में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ठीक है so, सो अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू सो मच